गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर फौज की कार्रवाई से ट्रैफिक जाम लगने से सयाहों और मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और सयाहत से जुड़े मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि टंगमर्ग से गुलमर्ग तक रोड पर फौज की कार्रवाई के औकात पर नजरसानी करें। सयाहों और मकामी लोगों ने कहा कि गुलमर्ग से टंगमर्ग तक फौज की कार्रवाई से ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें काफी मुश्किल पेश आ रही हैं। सयाहों ने बताया कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचने से रह जाते हैं और उनकी फ्लाइट्स भी छूट जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से सयाह गुलमर्ग आते हैं, इनके लिए रास्ते में दुश्वारियां पेश नहीं आनी चाहिए। सयाहों और मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस मामले पर नजरसानी की अपील की। कॉन्वे का थोड़ा प्रॉब्लम आया, सब रोड ब्लॉक हो गया, फ्लाइट वगैरह भी टाइम शेड्यूल टाइट चल रहा है, शायद मिस हो जाएगा। अगर से कॉन्वे और ये गवर्नमेंट थोड़ा इंटरवेन होके कुछ टूरिस्ट के लिए, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, फैमिलीज के साथ आते हैं और बच्चे रहते हैं, तो उसका कुछ शेड्यूल वगैरह कुछ एक गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइज करे तो बेटर रहेगा फॉर टूरिस्ट। तो हम लास्ट 1.5-2 आवर्स से ब्लॉक है, पता नहीं अभी आगे कितना ब्लॉक होगा। और दूसरे कार सुबह उनसे बात की तो उनका किसी का ट्रेन मिस हो गया, किसी का फ्लाइट मिस हो गया। चलो इसको हेल्प किए तो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई अपील द एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली द सीईओ गुलमर्ग और जो बाकी मेंबरान है यहाँ पे, एसडीएम गुलमर्ग है या एसएचओ गुलमर्ग है, उनसे अपील करते हैं जो ये कार्रवाई का सिस्टम है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि कार्रवाई यहाँ से नीचे जाती है। हमें इस मोतबाना अपील करते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स है उनसे अपील करते हैं कि वो यहाँ पे इस कार्रवाई का जो शेड्यूल है वो एक सही तरीके में सही नहीं में तैयार करें, ताकि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट है एज वेल एज जो लोकल है यहाँ के वो सफर ना करें। क्योंकि यहाँ पे भी जो सुबह से टूरिस्ट गए, इस वक्त टाइम समझिए आप 1:30 बज गया, सुबह से कोई भी जो टूरिस्ट की गाड़ी है वो यहाँ तक नहीं पहुंची ड्यू टू द कार्रवाई। सो इसलिए जो कार्रवाई का सिस्टम जो है वो शेड्यूल जो है वो तय करके अच्छे तरीके से मेंटेन करके, ताकि टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम ना हो, जो लोकल है उनको भी प्रॉब्लम ना हो।